भारतीय संविधान के तहत निजता जो है एक मौलिक अधिकार है। हमारे साथ राहुल शर्मा जो पिटिशनर के वकील हैं। केंद्र की ये दलील थी कि इसे अगर आप मौलिक अधिकार बनाते भी हैं लेकिन केस बाय केस देखना होगा, और आधार ने ये कहा था, UIDAI ने कहा था कि इसको ऐसा स्टेटस दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अहम फैसले में कहा है ये मौलिक अधिकार है। इसका क्या मतलब होगा हमारे जीवन में? इसका आर्टिकल 21 और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मौलिक अधिकार में इसको लाया गया है, राइट टू प्राइवेसी को, पर आधार कार्ड उसका एक पार्ट है। तो अब उस पर क्या असर आएगा वो तो आगे कंडीशनल इम्प्लीकेशंस होगा उस पर, बट ऑब्वियसली कुछ तो प्राइवेसी के लिए बेटर ही होगा और फर्दर आगे जजमेंट से पता लगेगा। और बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने माना है कि ये मौलिक अधिकार है और एकदम लाइफ और लिबर्टी के तहत इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब उससे अलग नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट, क्योंकि पहले प्रीएम्बल को देख रहे थे, प्रीएम्बल में प्राइवेसी वाला वो नहीं था, तो अब इसमें फर्दर देखते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आधार से ये सारा केस पैदा हुआ था, 5 जजेस ने यहाँ भेजा था इस मामले को, जाहिर सी बात है इस जजमेंट को अब वो देखेंगे, समझेंगे और आधार के ऊपर भी एक फैसला लेंगे, तो कितना अहम है ये फैसला उसके केस में? ये पिटिशनर्स के लिए तो एक विक्ट्री है, बहुत बढ़िया है। और आधार आपके हिसाब से उल्लंघन है उस राइट टू प्राइवेसी का? कंडीशनल होगा, एकदम नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेसी के अंडर आता है आधार, उसमें कुछ कंडीशंस तो लगेंगी, लाइक इट्स नॉट ब्लैक और वाइट नहीं है, लेकिन एक जरूर आप इसको जीत मान रहे हैं। यस सर्टेनली। राहुल शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे राहुल शर्मा बता रहे थे कि एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर सी बात है कि आधार केस की भी सुनवाई जो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के सामने, वो भी इस ऑर्डर को अब देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद एक फैसला लेंगे कि क्या आधार जो है वो इस अधिकार को छीनता है या इस अधिकार के साथ साथ चलता है। तो एक अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का कि निजता जो है एक मौलिक अधिकार है।